नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश गुप्ता। आप देख रहे हैं एंटिक टेक्नोलॉजी प्लस चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोस्तों करने वाले हैं V4 सबमर्सिबल मोटर की रिवाइंडिंग, जो कि दोस्तों 1 HP की सिंगल फेस की मोटर है। और दोस्तों, इसके स्टेटर की जो लेंथ थी वो 200 mm थी, और इसकी पूरी बॉडी की लंबाई दोस्तों बॉडी की यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बॉडी की लंबाई जो वो थी 390 mm। और दोस्तों, इसकी मेन बात जो थी वो थी दोस्तों इसकी पिच। ऐसी पिच दोस्तों मैंने भी पहली बार सुनी थी, जैसे कि इसकी पिच थी 1:7, 1:9, 1:11, और फिर बॉडी को घुमा के दूसरे साइड से 1:7, 1:9, 1:11 और 1:13। जी हाँ दोस्तों, यही इसके पिच थी। यानी कि दोस्तों टोटल रनिंग ग्रुप में 7 कॉइलें आएंगी और स्टार्टिंग के ग्रुप में 5 कॉइलें। तो दोस्तों, क्या आपने पहले ऐसी पिच सुनी थी, या आप रिवाइंडिंग का यदि आपके पास कोई काम है तो क्या आपने ऐसी पिच में कोई रिवाइंडिंग मोटर की, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, यही कुछ खास बातें थी इस मोटर की, जिसके वजह से मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी। और दोस्तों, वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो हम करने वाले इस मोटर को रिवाइंडिंग, जो है दोस्तों, जो कि दोस्तों V4 की है, 1 HP की। दोस्तों बॉडी कुछ इस तरह से दिख जाती है। इसमें ऑलरेडी हमने स्लॉट पेपर को इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों पुरानी बॉडी थी इसीलिए। दोस्तों इसकी सबसे मेन बात पिच है। इसकी दोस्तों पिच जो है वो है 7, 9, 11 प्लस 7, 9, 11 और 13। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका कॉइल हम बना लेते हैं, कैसे कॉइल बनाना हो। चलिए दोस्तों, अच्छे से आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम 909 का वायर गेज यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों इसके टर्न होंगे 9 का 26 रनिंग में। दोस्तों चलिए सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमने कॉइल बनाना है। दोस्तों यहाँ पे हम 1:6 की कॉइल बनाते थे, यहाँ पे 1:8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1:12। तो दोस्तों यहाँ 1:6 की जगह हम 1:7 की कॉइल बनाने वाले हैं, उसके बाद 1:9 की, उसके बाद 1:11 की, प्लस यहाँ पे दोस्तों फिर से 13 नहीं आता है, 13 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फर्मा, यहाँ पे एक खांचा छोड़ देना है, और फिर इधर से 13, 11, 9 और 7 की कॉइल बना लें। चलिए दोस्तों, जल्दी से कॉइल बना के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों पहले खांचे में हम बनाने वाले हैं 9 का 26 हमें डालना होता है यहाँ पे, रुकना हो कॉइल बनाने के बाद। दोस्तों यहाँ पे 1:7 की कॉइल हमने बना ली है, और 1:9 की कॉइल दोस्तों इस खांचे पर बनाना है। दोस्तों 1:7, 1:9 की कॉइल बन चुकी है। अब दोस्तों 1:11 की कॉइल यहाँ पे बनाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1:7, 1:9 और 1:11 की कॉइल हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये खांचा छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों प्लस में आ जाता है, फिर से हमें 1:7 की कॉइल यहाँ पे बनानी होती, 1:11 की यहाँ, 1:7, 1:9, 1:11 और 1:13। तो दोस्तों ये वाला फर्मे का खांचा हमें छोड़ देना होता है। तो चलिए इसको छोड़ के यहाँ से हम कॉइल टोटल स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1:13, 11, 9 और 7। दोस्तों कुछ इस तरह से कॉइल बन चुकी है। अब चलिए 1:11 कॉइल बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी देख सकते हैं कुछ इस तरह से कॉइल बन चुकी है। अब छोटी छोटी टर्नों से यहाँ पे सभी कॉइल को बांध देना है। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये खांचा और ऊपर ये खांचा दोस्तों छूटा ही है हमारा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी रिंग हमने बांध दी। अब इस तार को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे कट कर देना है। अब फिर चलिए जल्दी से कॉइल निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की दोस्तों कॉइल हमारी बन चुकी है। यानी कि दोस्तों 7 कॉइलें यहाँ आएंगी, गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही कॉइल दोस्तों यहाँ पे आ जाती है। अब चलिए दोस्तों इसको बॉडी में इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल कुछ इस तरह से हमने बना लिया है।
दोस्तों चलिए एक से सात में चलिए दोस्तों कुछ इस तरह का पेपर हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे वायरिंग पेपर है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक से सात के बीच में पेपर डाल देते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं ये पेपर है। और दोस्तों चलिए इसके पिच में गिना देता हूँ नज़दीक से, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः और सात। फिर से चलिए गिन लेते हैं। ये दोस्तों पेपर यहाँ पे डाला, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। दोस्तों एक से सात के पिच में ही हमने पेपर डाल देना है। चलिए दोस्तों पहली कॉइल हम इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं पहली कॉइल है। इसका दोस्तों इनर तार और राइट साइड में ही होना चाहिए कुछ इस तरह से। चलिए दोस्तों कुछ इस तरह से वायर को फोल्ड कर लेते हैं कॉइल को, और थोड़ा सा कर लेते हैं पतला आगे से की तरफ से। दोस्तों पेपर के मुंह पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं रख के आराम से दोस्तों धक्का लगा देना है, जिससे बहुत ही आराम से कॉइल जो है इंस्टॉल हो जाती है। फिर इनर तार को इस तरह गांठ लगा देते हैं। फिर दोस्तों बॉडी को घुमा के पेपर को निकाल देते हैं दोस्तों। उसके बाद ये स्टिक लगा देते हैं यहाँ पे। इस साइड भी दोस्तों सेम टू सेम प्रोसेस स्टिक लगा देते हैं। दोस्तों इस कॉइल का दोस्तों अच्छे से शेप ले लेना होता है कि छोटी कॉइल है, इसलिए दोस्तों दो बार में हमें शेप ले लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों शेप ही इसका मेन होता है। जितना अच्छा दोस्तों हम शेप लेंगे उतना अच्छे हमें मज़ा आएगा बॉडी को बनाने में। देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ से ऐसा गोलाई मारना होता है शेप में। दोस्तों आप टेढ़ा मेढ़ा ले लेंगे तो वो नहीं चलने वाला। फिर दोस्तों क्या करना है, एक से नौ में हमें कॉइल डालना होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कॉइल डाला, यहाँ पे डाला, और उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे कॉइल डालना होता है, यानी कि एक से नौ के पिच में उसके ऊपर ही जस्ट ले लेना। दोस्तों कुछ इस तरह से एक से नौ के पिच में पेपर हमने लगा दिया है, यानी कि आप चलिए गिन के बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों एक दो, यहाँ पे कॉइल डाला दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे छः, यहाँ पे सात, यहाँ पे आठ, और दोस्तों यहाँ पे पेपर डाला वो नौ। जस्ट उसके ऊपर ही दोस्तों कॉइल के पेपर डाल देना हो दोस्तों, हमारी पिच नौ से ही होगी। दोस्तों चलिए एक से नौ की पिच में हम कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। फिर से दोस्तों वही सेम टू सेम प्रोसेस, कॉइल को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और मुंह पे पेपर के दोस्तों आराम से लगा के धक्का लगा दीजिए, जिससे दोस्तों बहुत ही आसानी से कॉइल जो है इंस्टॉल हो जाती है कुछ इस तरह से। फिर दोस्तों बॉडी को घुमा लेते हैं और कॉइल को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा के पेपर निकाल के फिर से स्टिक लगा देते हैं इस साइड का भी दोस्तों। कुछ इस तरह दोस्तों स्टिक लगा के फिर से कॉइल को अच्छे से शेप ले लेते हैं। इसको आधा आधा ही शेप दोनों दोस्तों लेते हैं, क्योंकि छोटी कॉइल होती है शेप बहुत टाइट आता है, इसलिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही अच्छा शेप आना चाहिए इतने गोलाई में, ठीक है। अब चलिए उसके बाद दोस्तों एक से सात की कॉइल कंप्लीट हो गई, एक से नौ की कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों एक से ग्यारह में, यानी कि दोस्तों एक से नौ की जहाँ पे कॉइल डाली थी उसके जस्ट ऊपर ही डाल देना है, जस्ट ऊपर दोनों दोनों साइड दोस्तों उठा लेना है। चलिए फिर से एक बार मैं गिन के आपको दिखा देता हूँ, यानी कि दोस्तों एक, यहाँ पे दूसरा कॉइल डाला दो, यहाँ पे दूसरा कॉइल तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह, यानी कि दोस्तों एक से ग्यारह में पिच में हम दोस्तों पेपर डाल के अब दोस्तों एक से बड़ी कॉइल एक से ग्यारह के हमें इंस्टॉल करनी है। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है दोस्तों एक से नौ के में जो दोस्तों आउटर तार निकला है तो दोस्तों इस कॉइल में दोस्तों राइट साइड में ही आना चाहिए, ऐसा हमें दोस्तों ध्यान देना है। ये दोस्तों आउटर तार है और इस कॉइल में राइट साइड में ही आना चाहिए। फिर से दोस्तों कॉइल को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और दोस्तों पेपर के मुंह पे आराम से लगा के धक्का लगा देते हैं, जिससे दोस्तों बहुत ही आसानी से कॉइल जो है इंस्टॉल हो जाते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों फिर बॉडी को घुमा के यहाँ पर पेपर निकाल लेते हैं और फिर स्टिक लगा देते हैं।
दोस्तों कॉइल तार ना जा रहा हो अंदर, तो इस दोस्तों सरिया होती है हमारे पास, जिससे बहुत ही आराम से स्लॉट के अंदर ये तार जो है दोस्तों कॉइल के अंदर आराम से बिठा कर फिर स्टिक लगा देते हैं। इस साइड भी देख सकते हैं दोस्तों, आराम आराम से इस तार को अंदर से बिठा देते हैं। और फिर दोस्तों स्टिक लगा देते हैं। दोस्तों फिर से बॉडी का अच्छे से इस कॉइल का शेप ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड और इस साइड भी दोस्तों देख सकते हैं, इतना अच्छा हमें शेप लेना होता है। दोस्तों यहाँ पे 1-7 की कॉइल डल चुकी है, 1-9 की कॉइल डल चुकी है, 1-11 की कॉइल डल चुकी है। अब दोस्तों प्लस बॉडी को अब हमें घुमा लेना है किसी भी साइड दोस्तों, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, किसी भी साइड दोस्तों घुमा लेता है। दोस्तों फिर से वही 1-7 की पिच आएगी यहाँ पर। दोस्तों हमारे पास 1-7, 9, 11 और 13 की पिच की 4 कॉइलें हैं, तो आप क्या करिए यहाँ से 1, 2, 3 इधर छोड़ दीजिए, और दोस्तों इधर से 1, 2, 3 इधर छोड़ दिए, और दोस्तों चौथे में दोस्तों पेपर डाल दीजिए, दोस्तों फिट 1-7 में ही पेपर बिट जाएगा। देख सकते हैं 3 स्लॉट हमने छोड़ दिए हैं और चौथे स्लॉट में हमें पेपर लगा देना, क्योंकि दोस्तों हमारे पास 4 कॉइल है, 3 कॉइल के लिए जगह छोड़ देना है और चौथे कॉइल के दोस्तों पेपर डाल देना। चलिए यहाँ पे गिन के आपको बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दोस्तों छोटी कॉइल 1-7 में। चलिए हम इंस्टॉल करते हैं फिर से। दोस्तों आप कन्फर्म कर लीजिए दोस्तों, जो इनर तार है दोस्तों देख सकते हैं राइट साइड में ही आना चाहिए। फिर से दोस्तों कॉइल को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए कुछ इस तरह से, दोस्तों कॉइल को इस तरह से थोड़ा सा मोड़िए और पेपर के मुंह पे लगा के आराम से धक्का लगा दीजिए, जिससे दोस्तों बहुत ही आसानी से कॉइल जो है बैठ जाते है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से कॉइल बैठ चुकी है। अब क्या करना है दोस्तों, बॉडी को घुमा लेना है और फिर पेपर को निकाल देना है। दोस्तों कुछ इस तरह से फिर स्टिक को लगा देना है इस साइड में। दोस्तों चलिए स्टिक, अब दोस्तों फिर से बॉडी का शेप ले लेते हैं कॉइल का अच्छे से, बहुत ही अच्छा दोस्तों शेप लेना होता है कुछ इस तरह से, और इस साइड में। दोस्तों कॉइल छोटी होती है इसलिए आधा आधा करके शेप ले लीजिए, बहुत ही अच्छे से ले जाएगा। दोस्तों 1-7 की कॉइल जो है डल चुकी है, चलिए जस्ट उसके ऊपर ही दोस्तों 1-9 की कॉइल हम डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे कॉइल डाला था जस्ट उसी के ऊपर एक एक स्लॉट पे हमें ले लेना है पेपर। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे जान लीजिए दोस्तों, ये जो 1-7 की कॉइल में जो दोस्तों आउटर तार निकला है, दोस्तों 1-9 की कॉइल में दोस्तों राइट साइड में ही आना चाहिए, यानी कि दोस्तों इस साइड ही आना चाहिए, इस साइड नहीं आना चाहिए। दोस्तों फिर से कॉइल को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, दोस्तों थोड़ा सा मोड़ लीजिए और दोस्तों पेपर के मुँह पर लगा के आराम से दोस्तों धक्का लगा दीजिए, जिससे बहुत ही आसानी से दोस्तों कॉइल इंस्टॉल हो जाते हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं कॉइल जो है बहुत अच्छे से डल गई है। दोस्तों फिर से बॉडी को घुमा लीजिए, दोस्तों पेपर को यहाँ पे निकाल देते हैं, अब स्टिक चलिए लगा देते हैं। उस साइड भी दोस्तों आराम से स्टिक अच्छे से लगा देते हैं। दोस्तों अच्छे से इस कॉइल का शेप ले लेते हैं। इस साइड भी दोस्तों अच्छे से शेप ले लेना। दोस्तों 1-7 की कॉइल डल चुकी है, 1-9 की कॉइल डल चुकी है, अब जस्ट उसके ऊपर ही दोस्तों, यानी कि यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे 1-11 की कॉइल हम डालते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस पेपर को 1-11 के पिच पे डाल देते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों चलिए 1-11 की कॉइल दोस्तों चलिए देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा कॉइल को मोड़ा, थोड़ा सा पतला किया और दोस्तों फिर पेपर के मुंह पे लगा देना है। दोस्तों अच्छे से धक्का लगा देना, बहुत ही आसानी से दोस्तों कॉइल जो है बिट जाती है कुछ इस तरह से देख सकते हैं।
फिर दोस्तों बॉडी को घुमा लेना है, पेपर निकाल के फिर से वही दोस्तों सेम टू सेम प्रोसेस स्टिक लगा देना है दोनों साइड। अब दोस्तों इसका भी आराम से अच्छे से शेप ले लेना है, इस साइड भी दोस्तों अच्छे से शेप ले लेना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ, यानी कि इस साइड भी तीन कॉइल डल चुकी है, यानी कि दोस्तों इस साइड तीन कॉइल देख सकते हैं, एक दो तीन इधर डल चुकी है और एक दो तीन इधर डल चुकी है। अब दोस्तों ये चौथी कॉइल दोस्तों दोनों तरफ हमें मोड़नी होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 113 की जो दोस्तों स्लॉट छूटे हैं, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों पेपर लगा के अच्छे से 113 की कॉइल जो है डाल देनी होती है। दोस्तों कुछ इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे यह ध्यान रखना होता है दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस ही होना चाहिए, पकड़ लो दोस्तों। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में तार आता है वो दोस्तों इस साइड में राइट साइड की कॉइल में आना चाहिए, और दोस्तों जो राइट साइड में इनर आउटर तार आता है वो दोस्तों लेफ्ट साइड में आना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों क्रॉस में आ जाते हैं, क्रॉस में दोनों लास्ट दोस्तों कॉइल जो होती है वो क्रॉस में ही आ जानी चाहिए। फिर दोस्तों वही प्रोसेस, थोड़ा सा पतला कीजिए, थोड़ा सा मोड़िए कॉइल को, और पेपर को दोस्तों मुंह पे लगा के आराम से धक्का लगा दीजिए, जिससे बहुत ही अच्छे से कॉइल जो है बिट जाती है। तो दोस्तों बॉडी को घुमा के पेपर निकाल देते हैं, और फिर दोस्तों स्टिक यहाँ पे लगा देना होता। दोस्तों रनिंग ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है, रनिंग का ग्रुप इंस्टॉल हो चुका है, इस साइड भी दोस्तों अच्छे से स्टिक लगा देना। दोस्तों इसके शेप में भी ध्यान देना होता है, यानी कि दोस्तों दोनों साइड तीन तीन कॉइलें हमने डाली थी। अब दोस्तों क्या करना है, ये दोस्तों आधा तार ऊपर की तरफ शेप ले लेना होता है, और आधा तार दोस्तों नीचे, आधा टर्न दोस्तों नीचे की तरफ शेप लेना होता है, क्योंकि दोस्तों दोनों साइड तीन तीन कॉइलें हमने डाली थी, और दोस्तों यदि एक तरफ चार डाल देंगे तो कॉइल दोस्तों बहुत ही मोटी लगती है। इस साइड भी दोस्तों आधे टर्न ऊपर की तरफ ले लेने होते हैं, और आधे टर्न दोस्तों नीचे की तरफ ले लेने, दोनों तरफ दोस्तों घुमा के इसका शेप ले लेना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रनिंग की कॉइल थी, रनिंग का ग्रुप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं स्टार्टिंग की कॉइल, रनिंग की जो कॉइल थी वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगली, दोस्तों स्टार्टिंग का जो कॉइल था वो दोस्तों अगली आपको वीडियो में मिल जाएगा।